हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो खुशखबरी है। तो चलिए गाइस, वीडियो में आरती और मनु खुशखबरी दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखिए कि किस तरह वे एक्साइटेड हैं, अपनी खुशखबरी को पूरे यूट्यूब परिवार को साझा कर रहे हैं, कितना एक्साइटेड हैं। और मनु फटा हुआ जैकेट पहना है, इसमें आरती हंस रही है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, हर इंसान का एक ना एक मुसीबत होता है, एक तरह का मुसीबत से गुजरना पड़ता है। परिवार संभालना कितना मुसीबत होता है, इसे तो जो मतलब जो संभालता है वही जानता है। तो आप लोग इसी तरह से आरती और मनु का सपोर्ट करते रहिए गाइस, ताकि ये लोग आगे बढ़ने पाएँ और अपना जो गरीबी रेखा है उसे दूर करने पाएँ। और देखिए कैसे वे अपना फर्स्ट पेमेंट को दिखा रहे हैं और कितना खुश हैं। वे बोल रही थी कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग सच सच बोलते हैं। ये तो उनके हर एक लफ्ज, एक ही बात से ही पता चलता है कि वो कितना झूठ बोलती है और कितना नहीं बोलती है, वे कितनी सफाई देती है या नहीं देती है, ये चीज़ आप लोग भी गौर कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वे झूठ बोलती होगी। वे कितना कठिनाई और कितना मुसीबत से अपना करियर बनाई है और अभी अपना करियर में सुधार लाई है, और अभी यूट्यूब चैनल खोल करके अभी उनका एक फर्स्ट पेमेंट आया, तो वे कितना खुश है। और चलिए इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ताकि वे अपने परिवार को अच्छे तरह से, जैसे नॉर्मल परिवार चलता है वैसे चलाने पाएँ और अपनी गरीबी दूर करने पाएँ। जैसे आप लोग देखते हैं उनके वीडियो को कि उनके दो बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। दुनिया में क्या लिखा हुआ है कोई कहा नहीं जा सकता है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि किसका क्या कब हो जाए। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल में भी नए हैं तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर से किसी और अन्य ब्लॉग इसी तरह से लेकर के आऊँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए उनका खुशखबरी और उनका खुशी का ठिकाना नहीं। तो चलिए गाइस वीडियो में। बहुत सारा दोस्तों मतलब यही बोलते थे कि यूट्यूब का पेमेंट आया कि नहीं आया, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि यूट्यूब का पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो सच्चाई है वही दिखा रहे हैं, ऐसा बात ना है कि और ये हम जो है कल आया है, ये नहीं कि मतलब 10 दिन पहले, नहीं कल आया है यूट्यूब का पेमेंट। मतलब आए थे कई दिन पहले, लेकिन जो है बता नहीं पाए, और कि जो है हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग को उतना पता नहीं था तो उनके बारे में। और उसके बाद जो है कल जाके चेक किए ना, तो पेमेंट गिरा, तो इसीलिए देखें। तो उसके बाद जाके निकाले पेमेंट। तो आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप लोग। और हम लोग जो भी होता है तो हम लोग सच्चाई ही बताते हैं, कभी कोई गलत नहीं बताते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे नौटंकीबाज करके ऐसे गलत उलत बोलते हैं, हम लोग कभी गलत नहीं बोलते। जो रियल है, जो सच्चाई है, हम लोग वही बोलते हैं और वही बोलते आएंगे और बोलते आ रहे हैं वही भी। और जितना कल आए, हम दोनों आदमी गए थे कल बैंक, तो गए उठा के लाए, तो इतना इसीलिए सोचे कि आज आप लोग को दिखा देते हैं कि फर्स्ट पेमेंट है सबका। इस पैसा सब मतलब बोल लेते, पहले भी बोल लेते कि इतना सब्सक्राइब है, इतना ही है, तो बहुत ज़्यादा आया होगा। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आया। और CSP बैंक होने के कारण भी बहुत कम इनकम आए हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं बहुत कितना है इसमें। इसमें तो अभी फिलहाल 25 है, छोटका बैंक था ना, हाँ, 25 निकला पच्चीस है। पच्चीस ही है इसमें। तो आगे और जब सेकेंड पेमेंट भी आएगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहे हैं कैसे हंसी लगेगा आप लोग को भी, और बोलने से पहले तो हमको भी हंसी लग गया। तो ये बोल रहे हैं कि आगे देखिए जैकेट इसका फटा, हंस तो रहे हैं जो तो आप दोस्तों लोग इसमें गलत हंसने की मत। क्या बात है, मेरा जैकेट फटा हुआ है तो इसमें हंसने की क्या बात है। तो
तो बताइए, आप ही लोग बताइए, इसमें हंसने की बात है कि नहीं है? कैसे हंसी नहीं लगेगा? फटा हुआ जैकेट दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कि फर्स्ट पेमेंट आया है तुमको, जैकेट खरीद दो, जैकेट खरीद दो, हम लेंगे जैकेट। आप ही बताइए, इतना हम लोग के पास कर्जा है कि दूसरे आप ही लोग से रुपया लिए हैं, कितना रुपया हम लोग के ऊपर, और उस सबको देना पड़ेगा ना? आई बोलने की नहीं, हम सबसे पहले जैकेट लेंगे, सबको देंगे, लेकिन पहले मेरा जैकेट खरीद लो। बताइए, उससे बचेगा आदमी, सबको देने से बचेगा तब तो। अब मान के चलिए सबको आशा दे के रखे थे कि नहीं हम लोग का फर्स्ट पेमेंट आएगा तो आप लोग को रिटर्न कर देंगे, कर देंगे, तो सबको तक रुपया देना पड़ेगा ना? बहुत ऐसे मतलब ब्याज पे भी बहुत रुपया उठाए और आप लोग भी बहुत हेल्प किए हैं, तो सबका रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी का रुपया हम लोग रख लेंगे, सबको कॉल करके पूछेंगे कि, और जो जो जैसे मतलब भेजे हैं फोन पे या जैसे दिए हैंड टू हैंड, उसको वैसे ही रिटर्न देंगे, और जैसे हम लोग का रुपया आते रहेगा वैसे रिटर्न करते रहेंगे। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चौथा बार में जरूर पूरा कर देंगे। ठीक है, सबको देंगे, लेकिन पहले मेरा जैकेट दिलाओ। देखिए हाँ, इसका जैकेट कहाँ फटा है आप लोग देख सकते हैं। देखे तो देखिए, जैकेट फट गया है, तो जैकेट मांग रहे हैं, बताइए कहाँ देंगे? रुपया बचेगा तब तो इसको जैकेट देंगे। क्या होगा एक महीना, जब इतना दिन गरीबी खेपे, इतना दिन ऐसे मजबूरी काटे, तो एक महीना और काट लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आएगा तो और खरीद लीजिएगा तब, क्या हम नहीं मानेंगे? हाँ। बता, एक तो कितना दिन के बाद बेचारा घर आए हैं, कल घर आया, पेमेंट उठाए तो बोल रहे हैं जैकेटे हम लेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम जैकेट लेंगे। तो कोई बात नहीं, रुपया देने से बचेगा तो आप लोग लीजिए, आप लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा, इसमें क्या है, रुपया बच जाएगा तो ले लीजिएगा जैकेट। अगर कपड़ा है ना, वस्त्र है, तो फट गया है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो इसी को सिला लीजिए। देखिए अब मजबूरी है तो मजबूर, एक समय था कि दूसरा जैकेट ला के दिए और हमको तो अभी देने के लिए बोल रहे, तो हमको आप थोड़े न दिए, हमको कैसे नहीं, आप नहीं दिए जैकेट, आप अपना रुपया लगा के नहीं दिए, आप अपना रुपया लगा के जैकेट नहीं दिए हमको। कौन दिया? देखो दोस्तों, ये झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, आप अपना रुपया लगा के देते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ ही झूठ, नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ ही। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाकी जो है आप लोग को यही सच्चाई दिखाने के लिए हम लोग जो है मतलब वीडियो थोड़ा सोचे कि थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, इसीलिए जो है आप लोगों को दिखा देंगे। ओके, अब जो है वीडियो को लास्ट करते हैं। ओके बाय।